हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइकटर। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं जाता हूं बिग माफिया के बेटे के घर, उसको मार के फिर वहां से मैं एक लग्जूरियस बाइक चुराता हूं और उस बाइक को मैं अपने मेंशन पे लाने ही वाला होता है कि बिग माफिया की गैंग मेरे पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से पूरी बाइक जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मुझे मारने के लिए बिग माफिया की गैंग ही नहीं आती, उसके साथ जो है सारी पुलिस भी आ जाती है और मैं उनको मारना नहीं चाहता, लेकिन बाइक डिस्ट्रॉय होने के बाद मैं उसको रुक के उनको मारना ही पड़ता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके प्लीज़ उस वीडियो को पूरी तरह से देखें। वो वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और मैंने किसी भी तरह से अपने डग्गाबाज का 50% बदला ले लिया क्योंकि मैं मार चुका हूँ बिग माफिया के बेटे को। आज मैं जा रहा हूँ बिग माफिया को मारने के लिए, जिसके बाद जो है हमारा बदला पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं कि डग्गाबाज कौन है तो जाके आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये वाली स्टोरी पूरी तरीके से समझ में जाएगी। और मैं आज जा रहा हूँ बिग माफिया को मारने के लिए, उसके मैं आपको थोड़े प्रोमो दिखा देता हूँ। जैसे कि लोग आप सभी जानते हैं, बिग माफिया जो है बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, जिसके अंडर में बहुत सारे क्रिमिनल्स काम करते थे। और बिग माफिया जो है बहुत सारे इलीगल कंपनी चलाता था, जैसा कि ड्रग डीलर, इलीगल वेपन्स, और अपने आप को जो है सबसे बड़ा आदमी मानता था और किसी दूसरे आदमी को अपने से बड़ा नहीं होने देता था, जैसा चाहे वो पॉजिटिव पर्सन हो या फिर नेगेटिव पर्सन हो। हमारे डग्गाबाज को भी इसी ने मारा था, तो इसी का बदला आज हम लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि बिग माफिया आज मरेगा या नहीं और मैं यहाँ से बच पाऊँगा या नहीं। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। तो भाई चलो चलते हैं। तो मैं अभी चलता हूँ बिग माफिया के बेटे के घर। मैं बिग माफिया के बेटे के घर इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा कि मैंने बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए गया था, वहाँ पे मैंने अपनी सुपर कार जो है वहीं पे छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई बचने के लिए रास्ता नहीं था और वो वहाँ से वापस भी मैं नहीं ले आ सकता था। और वहाँ पर बिग माफिया के बेटे को जैसे ही मैं ख़त्म करता हूँ, मेरे पीछे जो है पुलिस आ जाती है और साथ में बिग माफिया के भी गैंग आ जाती है, तो वहाँ से बचना मेरे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं वो कार छोड़ के चला जाता हूँ। और वो गई ये रही कार मेरी, जहाँ पे मैंने एक साइड में पार्क कर दी थी, और ये रहा बिग माफिया के बेटे का घर। तो मैं इस कार पे बैठता हूँ अभी। अभी यहाँ के जो है मेरी सारी सिक्योरिटी ख़त्म कर दी थी और जो पुलिस जो अपने वापस काम पर चले गई थी, तो यहाँ पर मेरे को कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। तो मैं चलता हूँ अभी सीधा बिग माफिया को मारने के लिए। और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लैंड होने वाला लॉस सांटोस के एयरपोर्ट पे। अगर मैं सीधा अपनी सुपर कार से जाऊँगा तो वो मेरे पर शक करके पहले ही मुझको ख़त्म कर देंगे क्योंकि वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं है और बिग माफिया को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, डग्गाबाज की पहले एक्स गैंग थी, तो एक्स गैंग वाले मेरे पास आ चुके हैं इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, कोई नॉर्मल व्हीकल एंटर कर नहीं सकते अंदर एयरपोर्ट के, तो इसीलिए वो एक ट्रैश ट्रक लेकर आए हैं ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। तो मैं जल्दी से अपने ट्रक में बैठता हूं और मैं फिर उस एयरपोर्ट पे चलता हूं जहां पे बिग माफिया है। और अगर कोई नॉर्मल व्हीकल अंदर एयरपोर्ट के एंटर करती तो उसको बहुत ज़्यादा चेकिंग चलती, अगर हमारे पास वेपन्स निकल जाते तो तभी हमको शूट कर देते। तो इसीलिए एक ट्रैश ट्रक लेकर जाना वहाँ पर ज़रूरी था क्योंकि इस ट्रैश ट्रक को कोई भी चेकिंग नहीं है, सीधा अंदर एंट्री मिल जाएगी क्योंकि वो जानते हैं शायद ये वेस्ट उठाने आए हैं करके। और इस ट्रक से जाने का ये भी फ़ायदा है कि मैं जितना करीब हो सके उतना करीब जाके पहुंच सकता हूं बिग माफिया को, और मैं नज़दीक से भी मार सकता हूं। अगर दूर से मारूँगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो बिग माफिया को आराम से अपने अंडर में लेके वो कहीं पर भी छुपा सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं सीधा अंदर जा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं पहुँच गया गेट पर लॉस सांटोस एयरपोर्ट के। तो यहाँ पे एक पुलिस की कार खड़ी है और सामने एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है और अभी तक इसका कोई भी एक्शन नहीं आया, यानी कि अभी तक इसने गेट भी नहीं खोला। तो मैं और थोड़ा नज़दीक जाता हूँ। ओ भाई, हमको अंदर जाने की एंट्री मिल गई, इसने गेट खोल दिया है और ये बहुत नज़दीक से भी देख चुका है कि ये ट्रैश ट्रक है करके। तो पीछे भी दो आदमी लटक रहे हैं, वो देख रहा है। तो कोई बात नहीं कि चलते हैं अंदर, लेकिन हमको यहाँ पे पूरी तरीके से अभी एंट्री अंदर नहीं मिली क्योंकि और एक गेट रखा हुआ है गाइस यहाँ पे, और एक गेट हमको पार करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके वो लोग पहले चेकिंग करेंगे, बाद में अंदर भेजेंगे, लेकिन ये ट्रैश ट्रक है, इसको ज़्यादा इतनी चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस ये देख के अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पर एक पुलिस की कार खड़ी हुई है और यहाँ पर एक और पुलिस वाला खड़ा हुआ है। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। तो इन्होंने भी अभी तक गेट नहीं खोला गाइस, यहाँ पर दो दो पुलिस वाले खड़े हैं, तो इसने खोल दिया। और लो भाई, फाइनली हमको अंदर एंट्री मिल गई है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि यहाँ से ही अंदर की एंट्री मिल गई है। और यहाँ पे फायर ट्रक रखे हुए हैं गाइस बहुत भर भर के। तो मैं यहाँ से जाके राइट लेके देखता हूँ कि वो बिग माफिया का प्राइवेट जेट कहाँ पे है, क्योंकि बिग माफिया के पास बहुत भर भर के पैसा है गाइस, तो वो कोई नॉर्मल पैसेंजर प्लेन में नहीं आएगा, वो आएगा तो अपने प्राइवेट जेट से ही।
तो पहले तो इसको ढूंढना पड़ेगा कि प्राइवेट जेट कहाँ पे रखे है करके। तो यहाँ से मैं फिर अंदर इंटर करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कोई भी टर्मिनल पे वो है या करके। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेन खड़ा हुआ है गाइस, लेकिन वो प्लेन उसका नहीं है क्योंकि वो छोटे से प्राइवेट जेट में आएगा। बस वो बस अकेला ही आता है उस पर और उसके साथ बस सिक्योरिटी रहती है। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े से प्लेन खड़े हुए हैं, देखता हूँ फिर कोई भी आगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि बहुत सारे प्लेन खड़े हुए हैं, तो देखता हूँ यहाँ पे जाके अंदर। तो गाइस मुझको एक छोटा सा प्राइवेट जेट नज़र आ रहा है, तो देखता हूँ। हाँ गाइस यहाँ पे एक प्राइवेट जेट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, उसके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, शायद ये दूसरों का होगा। तो मैं जाता हूँ, ओ भाई ये क्या है। तो गाइस आपको दिख रहा ही होगा यहाँ पे बहुत सारे चॉपर खड़े हुए हैं, लेकिन इस एयरपोर्ट पर चॉपर किस काम के, तो जाके इधर नज़दीक देखना ही पड़ेगा गाइस। लेकिन वो हमको कुछ शक भी नहीं करेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं एक ट्रैश ट्रक पे, तो इतना कोई ख़तरा नहीं है गाइस। लेकिन फिर भी जाके देखता हूँ, शायद यही होगा क्योंकि इसकी सिक्योरिटी, ओ भाई बहुत ज़बरदस्त खड़े। लेकिन ये गाइस जो चॉपर है, पूरे वेपनाइज चॉपर है, इनके पास जो है बड़े बड़े से गन्स लगे हुए हैं। ओ भाई सामने नज़र आ रहा है प्राइवेट जेट, और यहाँ पे फाइनली नज़र आ गया कि बिग माफिया, जो कि काफ़ी सारी सिक्योरिटी पे घेरा पड़ा हुआ है, और इसके पास जो है बहुत सारे व्हीकल्स भी हैं जो कि बहुत पूरी वेपनाइज हैं और शायद बुलेट प्रूफ भी होंगे। तो मैं यहाँ से चुपके से पीछे आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर रुकता तो शायद वो मेरे को रक्षक कर लेते। तो यहाँ से आके मैं देखता हूँ पीछे से जाके, वो समझ रहे हैं ये शायद कचरा वगैरह उठाने आया होगा करके। और मेरे साथ जो है मेरे सिपाही जो साथ में आए हैं, इनके पास भी बहुत सारे बड़े बड़े वेपन हैं, तो ये मेरा साथ देने के लिए आए हैं। देखते हैं ये मेरा साथ कितनी तरह से दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इनको भी जान का खतरा है और मेरे को भी जान का खतरा है। तो फिर भी कोई बात नहीं कि कोशिश करेंगे जो कि हमको फाइनली जो है बदला लेना है डग्गाबाज से। और यहाँ पे क्या क्या सुपर चॉपर खड़े हुए हैं गाइस, तो मैं जाके देखता हूँ कि डग्गाबाज बिग माफिया कर क्या रहा है करके। ये हमको देख के भी चुप रह गए क्योंकि समझ रहे हैं शायद कोई पीछे से कचरा उठा रहा होगा करके। तो यहाँ पे अपना मोबाइल पे लगा पड़ा गाइस, इसके पास जो सारी सिक्योरिटी आसपास खड़ी हुई है, और पीछे एक सुपर सा प्राइवेट जेट रखा हुआ है जो कि एक प्राइवेट जेट जो है अपने आप में एक बुलेट प्रूफ है, उसके टायर वगैरह सब कुछ बुलेट प्रूफ है। और जितना इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा ये अपने व्हीकल को ख़रीदने में गवा देता है। तो आज का इसका मैं शौक पूरा करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं फेंकने वाला है ग्रेनेड। तो गाइस फाइनली मैंने ग्रेनेड फेंक दिया और बिग माफिया जंप करता था, लेकिन मैं उसको दो बुलेट मार के वहीं पर ख़त्म कर चुका हूँ। बिग माफिया अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ से अभी हम सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और मेरे सिपाहियों को जो गोली लग चुकी, जिनको पीछे से हेलीकॉप्टर में गन लगी हुई थी, उन्होंने हमला कर दिया। तो गाइस वो भी मेरे सिपाही जो है बहुत इंजर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझको यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, अगर मैं यहीं पे रुक जाऊँगा तो मुझको जाना यहाँ से नामुमकिन होगा। मेरे साथी जो है पूरे सारे मर चुके हैं, तो मैं इनको एक एक करके मारता हूँ। यहाँ पे पहले तो मैं कवर में आ जाता हूँ, और मुझे काफ़ी अलग अलग जगह से बुलेट्स लग रहे हैं। इस मैंने एक अच्छा वेस्ट पहना हुआ है जो कि इनके बुलेट्स को आराम से रोक सकता है। तो मैं यहाँ पे एक एक आदमी को मारता हूँ, किसी भी तरह से इनको मार के जाना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मैंने बिग माफिया को पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ। मेरी पहली बुलेट जो थी या फिर मेरा पहला ग्रेनेड था वो बिग माफिया के लिए था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई उसको मारने के लिए। अगर मैं पहले तो इनको मार देता तो बाद में उसको मारना नामुमकिन हो जाता। तो यहाँ पे चॉपर एकदम हवा में रुके पड़े हैं मुझको किसी भी तरह से मारने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा चॉपर को बुलेट्स मार चुका हूँ, लेकिन ये अभी तक ब्लास्ट भी नहीं हुआ। ये सारे जो है शायद बुलेट प्रूफ होंगे, इसीलिए इतना इनको टाइम लग रहा है। मेरे पास जो वेपन था बहुत बढ़िया वाला वेपन था, जब इसमें बुलेट सारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं किसी भी तरह से इस प्राइवेट जेट पे बैठता हूँ क्योंकि ये भी जो है बुलेट प्रूफ है, और मैं इस प्राइवेट जेट पे बैठ के जाऊँगा सीधा अपने मेंशन पे, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, कोई दूसरा व्हीकल इतने बुलेट्स नहीं सह पाता। तो इसीलिए एक बुलेट प्रूफ जेट है, तो इसी को मैं उड़ा के लेके जाता हूँ। सामने जो है हेलीकॉप्टर जो है सारे हवा में रुके पड़े हैं, मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा शायद उसको बुलेट्स मारना शुरू कर देंगे। और लोग यहाँ पर बुलेट्स मारना इन्होंने शुरू कर दिया है, कई सारे अभी भी गार्ड्स बचे हुए हैं जो कि व्हीकल में हैं, जो नॉर्मल कार पे नीचे रुके पड़े हैं, तो उनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ अभी जो मेरे पीछे। ओ भाई पांच हेलीकॉप्टर गाइस मेरे पीछा कर रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स लग गए हैं। और जो एक और यहाँ पे विंग फैन में से गाइस स्मोक निकलना शुरू हो चुका है, ये प्राइवेट जेट कभी भी फट सकता है। तो मैं किसी भी तरह से यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि इनके बुलेट्स अभी तक मुझको लगते जा रहे हैं। तो गाइस आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएँ
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये पूरी सीरीज़ डग्गा बॉस वर्सेस बिग माफिया की सीरीज आपको कैसी लगी। तो गाइस आपने अभी तक इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पिछले वाले वीडियो पूरा देखें, तभी आपको ये वाली स्टोरी आराम से समझ में जाएगी। तो गाइस मैं चलता हूँ अभी अपने मेंशन पे। एक साइड में जो है बहुत ज़्यादा स्मोक करना शुरू कर दिया, ये शायद कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, और मेरा स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी इसीलिए सारे चॉपर ने मेरा पीछा छोड़ दिया है। तो फाइनली गाइस हम वहाँ से सर्वाइव हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं जिस ट्रैश ट्रक में अपने साथियों को लेके गया था वो सारे साथी जो है मारे जा चुके हैं, वो भी तो काम करते थे डग्गा बॉस के लिए। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने मेंशन के पास, तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं पे छोड़ के यहीं से जंप कर दूंगा ताकि और कहीं ऊपर ही ब्लास्ट ना हो जाए। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक का बटन दबाएँ। और मैंने उस प्राइवेट जेट से इसलिए भी जंप किया है ताकि वो प्राइवेट जेट मेरे मेंशन के पास आके ब्लास्ट ना हो जाए, और अगर वो ब्लास्ट भी नहीं होता तो बाद में बिग माफिया की गैंग उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके मेरे मेंशन पे आके पहुंच जाते हैं। तो अच्छा ही हुआ गाइस मैंने पहले हवा में जंप कर दिया और वो प्राइवेट जेट जो है बहुत दूर जाके ब्लास्ट हो गया। तो मैं अभी यहाँ पर मेंशन पर सेफ हूँ, यहाँ पर किसी को मेरा लोकेशन भी पता नहीं है। और फाइनली यहाँ पर दी एंड होता है डग्गा बॉस वर्सेस बिग माफिया सीरीज़ का। तो मैं अगली वीडियो में शुरू करूंगा कोई नई सीरीज़ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, किसी एक नए माफिया के साथ या किसी एक नए गैंगस्टर के साथ, जिसमें मैं बाय एंड सेल करने वाला हूं कई सारी लग्जरी कार्स, अपार्टमेंट्स, मार्केट, रिजॉर्ट्स। तो गाइस इस चैनल पे इसी तरह से बने रहें आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।